अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो लोग जैज़ कैश पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या मदर नेम निकालना चाहते हैं या किसी की प्लेस ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर उनको मसला आता है कि आप जो CNIC लगा रहे हैं उस पर वो आपका CNIC नंबर जो आप लगाते हैं, CNIC इशू डेट डालते हैं, सब कुछ मतलब डिटेल डालते हैं, तो वो आपसे फ्रंट बैक पिक्चर और सेल्फी पिक्चर मांगते हैं। तो इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों करते हैं ये, और इसका सॉल्व क्या है, तो आज की वीडियो में सब कुछ आपके सामने करके दिखाऊंगा कि इस मसले का हल क्या है, ये मसला पेश क्यों आता है। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को प्रेस करें ताकि रोजाना आने वाली फ्री इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग हैक एंड ट्रेडिंग मार्केटिंग की जितनी भी मज़ेदार वीडियो उनको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी तीन वजह हैं, अगर वो तीन वजह आपकी मतलब तीन प्रॉब्लम जो हैं वो आपके इस मोबाइल में शामिल ना हो तो कभी भी वो ना CNIC की पिक्चर फ्रंट बैक और ना ही कभी सेल्फी मांगेगी। सबसे पहली बात बताता हूँ, अगर आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके अगर किसी CNIC का मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश की गई थी तो वहाँ पे गलत मतलब है, वहाँ पे सिलेक्ट किया गया था मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो जब भी आप नंबर किसी और CNIC पे ट्राई करेंगे तो उस नंबर पे हमेशा वो फ्रंट बैक पिक्चर मांगेगा। एक बात होगी, मतलब वो नंबर आपने नहीं लगाना जिस पे एक दफ़ा गलती ये की गई हो कि वहाँ पे मदर नेम गलत सेलेक्ट किया गया हो या प्लेस ऑफ बर्थ गलत सेलेक्ट की, ये आगे आपको बताऊँगा। एक बात हो गई, तो अब दूसरी बात ये बताता हूँ कि अगर आप जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उसमें उस ऐप्स को यूज़ करके गलत मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया गया कोई नंबर लगा गए तो वो नंबर पे भी नेक्स्ट बार कोई और CNIC का निकालना चाहेंगे तो उस नंबर पे भी वो हमेशा फ्रंट बैक पिक्चर मांगेंगे और उस एप्लीकेशन में भी फ्रंट बैक जो मतलब है पिक्चर है और सेल्फी पिक्चर है वो मांगेंगे। इन दोनों चीज़ों को सॉल्व भी आगे बताऊँगा। एक हो गया, उसके बाद जिस CNIC तीसरी बात बता रहा हूँ, जिस CNIC का मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश की गई थी या अकाउंट बनाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे गलत नेम या प्लेस ऑफ बर्थ गलत की गया, तो तीसरी बात यह है कि उस CNIC का भी हमेशा वो फ्रंट बैक पिक्चर मांगेंगे तभी आप बना पाएंगे। ये तीन मिस्टेक अगर आपके ना हो तो वो कभी भी आपसे फ्रंट बैक पिक्चर नहीं मांगते। अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये आपको इस चीज़ का सबूत भी देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जैज़ कैश एप्लीकेशन ओपन कर लिया, यहाँ पे एक नंबर लगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये एप्लीकेशन जो की इसमें मैं 1000 अकाउंट भी रोज़ाना बना सकता हूँ, वैसे तो आपको पता है कि आप सिर्फ दो ही बना सकते हैं मंथ में, मैंने ये एप्लीकेशन में 2000 भी रोज़ाना के अकाउंट बना सकता हूँ। और इसमें जो OTP आता है वो भी फ्रेंड्स अगर एक नंबर पर आया वहाँ से यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र करके कॉपी पेस्ट करके भी लगाता हूँ तो इसमें वर्क कर जाता है, और इसमें भी वर्क जो करता है उसमें OTP लगाने की टाइमिंग होती है वो भी 1 मिनट, तो आपको पता है वैसे OTP करके अगर आप कॉपी करके लगाएं तो ना नहीं होता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसी अपने रोज़ाना 1000 अकाउंट बनाएं OTP जो है वो कॉपी पेस्ट करके लगाएं, जो OTP का टाइमिंग हो वो 1 मिनट हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है उसको देखें, उसको फॉलो करें कि मैं क्या चीज़ बताता हूँ क्या सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं अब मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग मदर नेम निकालना चाहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं या जैज़ कैश पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ या जो भी बनाना चाहते हैं, तो उनको मसला पेश आता है तो वो उनसे फ्रंट बैक पिक्चर मांगते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने वो नंबर लगाना है जिस पे पहले ऐसा कोई CNIC ना डाला गया हो, जिस CNIC की मतलब है गलत नेम या मतलब मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ गलत सेलेक्ट की गई हो, जिस नंबर पे अगर वो नंबर लगाएंगे तो उस पे हमेशा CNIC मांगेगी, ये जो मेरा नंबर है ये फ्रेश है इस पे नहीं है। अब एक होगी, इसके बाद अब जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं इस ऐप्स को यूज़ करके प्लेस ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश की गई है या मदर नेम निकालने की कोशिश की गई है और मदर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट गलत की गई है तो उस एप्लीकेशन में भी वो हमेशा जो मदर नेम है या प्लेस ऑफ बर्थ है निकालने की कोशिश की थी उसमें भी हमेशा वो पिक्चर ही मांगेगी, चाहे कोई और CNIC कोई और यूज़ कर लेंगे या मोबाइल नंबर कोई और यूज़ कर लेंगे चाहे वो फ्रेश हो। अगर आप चाहते हैं कि उस ऐप्स में ना मांगे तो सिंपली आपने उस ऐप्स का डाटा क्लियर करना होता है, अगर आप स्पेस पैरेलल यूज़ करें तो स्पेस पैरेलल का पूरा डाटा क्लियर करना होता है। यहाँ पे अब मैं ये चीज़ें डाल के आगे आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं सब डिटेल डाली, हालांकि यहाँ पे मैं नंबर किसी और का यूज़ कर रहा हूँ, सीनासी किसी और का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1000 अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो वो भी बना सकता हूँ। अगर आपको ये सब नहीं पता कि कैसे अकाउंट बनाना है, 1000 कैसे, मतलब आप 1000 अकाउंट बना सकते हैं कैसे, मुख्तलिफ सीनासी लगा के, मुख्तलिफ नंबर लगा के, नंबर किसी और का, सीनासी किसी और का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देखी, वो लिंक देखें, उस वीडियो का लिंक दिया गया नीचे, उस लिंक को देखें, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखें, आप फुल समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्यों नहीं कोई पेश आता। यहाँ पे जो नंबर लगाया उस पर भी कोई मतलब सीएनआईसी चेक ऐसा नहीं किया गया और ना ही कोई फेक उसमें नंबर पे डिटेल डाली गई। ये जो सीएनआईसी यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने ना मतलब है पहले मतलब इसमें गलत डाला है नंबर, और ना ही मतलब ये सीएनआईसी को पहली या दूसरी दफ़ा गलत सेलेक्ट किया गया मादर नेम। अब ये फ्रेश है, इसमें पहले मैं यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे सिंपली आगे बढ़ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल वैलिड लगा लेता हूँ। अब बताने का, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये देखो मैंने हर चीज़ रेल डाली, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे अब देखें ओटीपी मैं कॉपी पेस्ट करके लगाता हूँ। मैंने आपको बोला है आप भी चाहते हैं ओटीपी कॉपी पेस्ट करके लगाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है उसको देखें आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो OTP आया है कॉपी करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो आपको पता है ना आप पर स्पेस पैरेलल में क्लोन करके अकाउंट बना सकते हैं और ना ही OTP कॉपी करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा प्रोसीजर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, सिंपली उस पर क्लिक करें और वीडियो को देखें तो आप भी ये सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जो काम की चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वीडियो बनाने का मतलब क्या था। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अक्सर ये मसला क्यों आता है। अगर आपको बात यहाँ पे समझना, यहाँ पे अगर आप एक गलत नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फर्ज करो ये रेल है नेम, लेकिन आप ये इनमें से तीनों में से कोई सेलेक्ट करते हैं, तो जो नंबर आपने टाइप किया होगा उस पर भी वो हमेशा मादर मतलब है मादर नेम या प्लेस ऑफ बर्थ निकालने के लिए यूज़ किया था, उस नंबर पे भी हमेशा वो मांगेगी SNIC की फ्रंट एंड बैक पिक्चर, एक हो गया। दूसरा, जिस SNIC की आप निकाल रहे थे उस पे भी वो मांगेगा SNIC की फ्रंट बैक पिक्चर और सेल्फी, लेकिन हो सकता है 100 में से एक बंदे को ना मांगे या दो बंदे को, लेकिन 95% लोगों से मांगेंगे, लेकिन जो 5% है शायद उनका बन जाए। लेकिन मेन चीज़ यही है, जो SNIC यूज़ किया था उस पे भी वो पिक्चर मांगेंगे, अगर आपने यहाँ पे मादर नेम गलत सेलेक्ट कर लिया उस नंबर पे भी मांगेंगे हमेशा, और उस मतलब है SNIC पे भी। यहाँ पे रेल है लेकिन मैं रेल सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये SNIC पिक्चर मांगेंगे। अब अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ भी गलत सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी वो उसी नंबर पे जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पे हमेशा, जहां भी चाहे उस नंबर को यूज़ करके कोई और SNIC लगाना चाहते हैं, कोई और एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो SNIC की फ्रंट एंड बैक पिक्चर सेल्फी मांगेगा उस नंबर पे भी। और SNIC जो यूज़ कर रहे हैं अगर उस SNIC पे कोई और नंबर लगाते हैं और कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फिर भी वो उससे पिक्चर मांगेगा। तो यहाँ पे मैं रेल डाल लेता हूँ, अगर मैं गलत डालूंगा तो फिर यही मसला आएगा। अगर आप ये मसला सॉल्व करना चाहते हैं तो SNIC भी चेंज करें, जो आपका SNIC है उसको चेंज करें, और नंबर जो है उसको भी चेंज करें, और एप्लीकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन जो आप यूज़ करें सिंपली स्पेस पैरेलल में आप क्लोन करके यूज़ करें तो क्लोनिंग ऐप का डाटा क्लियर कर दें, या रेल यूज़ कर रहे हैं तो आप रेल में जो उसका डाटा है वो क्लियर कर दें। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अब यहाँ पे कोड लगा के इसको बना लेता हूँ। तो जिन लोगों ने मादर नेम निकालना था उनको भी अब समझ आ गई कि क्यों नहीं निकलता। यहाँ पे जो लोग समझते थे कि हमारा जैस के अकाउंट नहीं बनता, फ्रंट बैक पिक्चर मांगते हैं, उनको भी बता दिया कि रीज़न क्या है। ये देखें मेरा अब बन गया, सिंपली इसको मैं लॉग इन भी कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, और देखता हूँ ये देखिए अब 100 रुपये आ गया। सिंपली अपने मैं जैस के अकाउंट से किसी और अपने अकाउंट में जैस के सेंड करूँगा और इसी तरह ज़्यादा अकाउंट बनाते जाऊँगा, फिर अकाउंट बनाऊँगा, किसी का नंबर लूँगा और इसको अकाउंट बनाते जाऊँगा, अब 1000 रोजाना अकाउंट भी बना सकता हूँ। जिन लोगों ने मादर नेम निकालना था या प्लेस ऑफ बर्थ निकालनी थी तो उन लोगों को भी बता दिया कि क्या मसला होता है जिसकी वजह से नहीं निकलता, और जिन लोगों ने जैस कैश अकाउंट बनाना था उनको भी बता दिया कि उनका जैस कैश अकाउंट क्यों नहीं बनता। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।